हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट व्यूवर्स। आज हम अली भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। अली भाई ने आज हमें इनवाइट करा है लव बर्ड से, आपको प्रोग्रेस दिखानी है। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनके पास जो प्रोग्रेस आई है वो भी आपको दिखाएंगे, कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए हैं और कौन कौन से चिक्स इनके पास निकले हुए हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, कौन कौन से बर्ड्स आपने लगाए हुए अपने घर पर? आज मैं आपको अपने घर की प्रोग्रेस दिखाऊंगा, उसमें आपको सारे बर्ड्स की कवरेज करवाऊंगा, मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और क्या क्या प्रोग्रेस आई है उनकी। तो जी, सबसे पहले कौन सा पेयर दिखा रहे हैं? ये एग्जीबिशन का पेयर है, ये एक लेसविंग का मेल है और इसके साथ ये लेइंग हुई भी है, अंदर जो है फीमेल है, उसकी अंडर साइज की है। ठीक है, तो अभी सीजन की पास फर्स्ट ब्रीड आ रही है, सेकंड ब्रीड आ रही है, थर्ड है, थर्ड ब्रीड आ रही है। ये देखें, ये बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखाना है क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा सेटअप कवर करना है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको दिखाऊँ। सही, ठीक है, इधर आ जाएँ। इधर ऑफलाइन की फ़ीमेल है और मेल जो है लुटिनो का है, लिंग हुई हुई है। माशाल्लाह से तीन अंडे दिए, चार अंडे हैं, चार अंडे दिए। ठीक है, ये लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई, लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई है। और ये देखें एग्ज आए हुए हैं, माशाल्लाह से चार एग आए हुए जी। ये फिशर का पेयर है। अच्छा, ये फिशर नॉर्मल फिशर, नॉर्मल फिशर है, ये देखें इसने लुटिनो निकाला हुआ है। अच्छा, ये बच्चे नहीं, नॉर्मल फिशर, फिशर का लुटिनो भी है ना। अच्छा, ठीक, सही, चलो। ये कौन सा पेयर है? ये देखें सिंपल लुटिनो के साथ ग्रीन कलर का बर्ड लगाया हुआ है, बच्चे सारे बाहर, बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, इधर से शॉट लेना। अच्छा, ये सारे बच्चे निकले हुए? ये सारे बच्चे, इसमें से जो डेकिनो का बच्चा है वो सात वाले बॉक्स का है, बच्चे बैलेंस करने के लिए जो है इसको मैंने यहाँ पर छोड़ा है। सही, कितने बच्चे निकले हुए इसके? इसमें जो ये मूव का बच्चा है ये भी इसका नहीं है, ये दूसरे पेयर का बच्चा है, ये मूव फिशरी है, ये भी अलग पेयर है। ये जिसकी चोंच ख़राब है ये मेल है और पीछे जो है लुटिनो की वो फीमेल है, ब्लैक आइज़ की। आइए इधर आ जाए, ये वापस से एग ले कर दिए हैं पेयर ने। और ये पेयर है जिसने मुझे क्रिमिनो निकाल के दिया, डेकिनो सॉरी निकाल के दिया, ये इस पेयर के बच्चे हैं। अच्छा, इतने बच्चे मौजूद हैं सेल जी, पाइड के अंदर है ये, माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त कलर के पाइड आए हैं मेरे पास इस दफ़ा, ये पाइड कहलाता है। पाइड को मैंने लुटिनो पर्सनाटा रेड आई के साथ लगाया, तो पाइड बच्चे भी आए हैं और डेकिनो बच्चे भी आए हैं। अब ऊपर आए यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों ये पेस्टल ब्लू है, ये पेस्टल कलर कहलाता है, पेस्टल को एल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया हुआ है। देखते हैं इसकी प्रोग्रेस क्या है। इसका पहला अंडा है 6 तारीख पहले महीने 2020 को। ये देखें बच्चे आए हुए, माशाल्लाह से बच्चे, दो बच्चे आए हुए जी, ये ब्लैक आई होंगे लेकिन रेड आई के स्प्लिट होंगे। इसका फर्स्ट एग जो है 6 तारीख पहला महीना 2020 को इसने पहला एग दिया था। अब इधर आ जाए, ये एल्बिनो का पेयर है, ये चला नहीं है मेरे पास इस सीज़न में। ये देखें, ये पारब्लू स्प्लिट इनो, ये यूविंग की फीमेल है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट पारब्लू की फीमेल है और जो मेल है वो पेस्टल इनो का है, यानी कि रेड आई का स्प्लिट है। तो इसकी भी प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस आगे दिखाता हूँ। इसमें एक बच्चा मैंने ऑफलाइन का डाला हुआ है जिसकी प्लकिंग हो गई थी, तो दूसरी तरफ से, दूसरे पेयर की तरफ से, तो मैंने इसको यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। बाकी जो इसके अपने बच्चे हैं वो माशाल्लाह से यूविंग के अंदर आए हैं, ये भी यूविंग के अंदर आए हैं, थोड़ी सी प्लकिंग हो गई थी। ये कुछ पेयर करते हैं तो वापस से मैंने ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए और बच्चों को दूसरे पेयर के नीचे रखा था, बैलेंसिंग कर दी था। हाँ, तो लेकिन अब मैंने वापस से इस पेयर के नीचे रख दिया। वैसे ये पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे पालता है, ये देखें ये यूविंग होता है बच्चा, ये यूविंग का कलर देखें, ऑलिव के अंदर यूविंग है, इसका पेट पूरा येलो होता है। सही, ये देखें इसका पेट देखें पूरा येलो कलर का होता है, ये यूविंग की निशानी होती है। माशाल्लाह से चार बच्चे हैं। सही जी, ऊपर मैंने जोड़ा लगाया हुआ है, स्प्लिट ऑफलाइन का फिशर है और इसके साथ स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पारब्लू का फिशर है और ये दोनों बॉक्स के अंदर होंगे। ये पेयर, ये पिंजरा खाली नहीं है, इसके अंदर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पारब्लू के या ब्लू के स्प्लिट जो हैं मैंने लगाए हुए हैं। ये आपको ये पकड़ें,
चलो ये देखें, ये एग देने की तैयारी है, ये फिशर है, लेकिन स्प्लिट इनो, स्प्लिट पार्ब्लू या ब्लू या और स्प्लिट ऑफलाइन है मेल इसका। और ये दूसरा पीस है इसका, ये मेरे घर का ही बर्ड है, रिंग बर्ड है। आइए अब मैं आपको कॉकटेल्स की तरफ लेके। ये कौन सा पेयर है? ये एल्बाइनो रेड आई का पेयर है, लेइंग हुई भी है। इसका पहला अंडा आया था 6/12/2019 को और वो वाला बच्चा सेल्फ हो चुका है। दूसरी इसने पेयरिंग करी है, ये सॉरी दूसरा क्लच है, तीसरा क्लच है सॉरी इसका। और मैं अंडे जी, और अब मैं इसका स्टिकर उतारूँगा। इधर आ रही है, सेकेंड क्लच है, पहला अंडा 2019 के 12वें महीने में 6 तारीख को हुआ था और वो बच्चे अब सेल्फ हो चुके हैं। वो बच्चे सेल्फ आपको वो सामने दिख रहे हैं जो पेयर्स के अंदर हैं, वो जो बच्चे हैं वो सारे इनमें से इसका भी बच्चा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफलाइन का पेयर, नीचे ऑफलाइन टू ऑफलाइन पेयर लगा हुआ है, पॉसिबल स्प्लिट टू टर्कोइज है ये, सही ठीक है। अब इसके मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ, इसका पहला था 27/1/2020 को इसने अंडे दिए, चार अंडे आए में इसके। ये ऑफलाइन का पेयर है जी, सही। अब यहाँ पे लुटिनो फिशरी का पेयर है, ये अंदर गया हुआ है, मैं बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ। कितने अंडे? 4, 5, 6 अंडे। 6 अंडे हैं, रुके आप अंडों को मैं एक जगह पे कर दूँ। सही, ये पेयर ये रहा। इस साइड पे सबसे नीचे आ जाएं अगर, तो सबसे नीचे पे है एल्बाइनो को पेयर किया हुआ है, पेस्टल बर्ड्स है दोनों, पॉसिबल दोनों जो है ना स्प्लिट रेड आई है, तो ये मेरे पास मूव बच्चे भी निकालते हैं। ये देखें, एक पेस्टल बर्ड है और एक एल्बाइनो ब्लैक आई है, ये दोनों रेड आई के स्प्लिट हैं। इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, 3 या 4 अंडे होंगे इसके। सही, और इसके ऊपर वाला है ये लुटिनो पर्सनाटा रेड आई का मेल है और एल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फीमेल है, इसने अंडे दिए हुए। और ये इसके सारे काफ़ी बच्चे में सेल्फ हो गए थे, ये लास्ट बच्चा ये ज़रा छोटा रह गया था, तो वो बच्चा जो है अभी भी अंदर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, आइए इधर। ये एक जो है ना बच्चा जिसके बाल सबसे ख़राब हो रहे हैं, ये बरपट्ठा है छोटा सा, सही। और इसके ऊपर आए ये पार ब्लू स्प्लिट इनो का की फीमेल है और एल्बाइनो रेड आई का मेल है, इसके भी बच्चे आ गए हैं जी जी। ये देखें, ये डेकिनो की फीमेल है, ये देखें माशाल्लाह से 3 बच्चे आए हैं। और यहाँ पर अच्छा, इसके बच्चे किस टाइप के निकलेंगे? ये डेकिनो नहीं, ये पेस्टल इनो ही है एक्चुअली, डेकिनो पिछला वाला था, ये पेस्टल इनो है। जब पार ब्लू और एल्बिनो को मिलाते हैं तो इस तरह का बर्ड निकलता है। इसके बच्चे, इसमें क्रिमिनो आने के भी चांसेस होते हैं काफ़ी। ये एल्बाइनो रेड आई नहीं है, सिंपल ब्लैक आई है, ये किसी का स्प्लिट नहीं है। ये कुछ प्लकिंग हो रही थी तो एक जोड़े को यहाँ पे जाके ये दोनों जोड़े बाहर से दूसरी जगह के आए हुए हैं, और इसका एक ये एल्बाइनो ब्लैक आई का बच्चा यहाँ पर है, एक पीछे की तरफ है। जब पेयर प्लकिंग कर रहा होता है तो फौरन बच्चों को जो ना हमें हटाना पड़ता है, हटा के दूसरे पेयर के नीचे रखना पड़ता है। ये पेयर है एल्बाइनो रेड आई का, वॉयलेट के साथ पेयर बनाया हुआ है, मेल वॉयलेट का है, इसकी कोई ब्रीड नहीं आई, इसने एग्स वगैरह दिए थे लेकिन नहीं, इसका कुछ भी नहीं है मुझे याद है। अब नीचे वाला पेयर है पार ब्लू स्प्लिट इनो और सिंगल फैक्टर स्लेटी, इसके साथ मैंने एल्बाइनो रेड आई का पेयर लगाया हुआ है। इसके अंदर देखें रिज़ल्ट, फीमेल अंडों पे बैठी हुई है और डेट, ये पार ब्लू है, ये डेट देखें 5/2/2020 को इसने पहला अंडा दिया है। ये पार ब्लू स्प्लिट इनो का बच्चा है, सॉरी बड़ा है, ये बड़ा ज़बरदस्त फॉस्टरिंग का पेयर है, लेकिन इसने ख़ुद भी अभी ब्रीड कर दिया है। और ये देखें अंडे देखे शायद बैठी हुई है, बहुत ज़बरदस्त फीमेल है माशाल्लाह से ये। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये पेयर है फिशर का, पेस्टल के साथ लगाया है, दोनों अंदर है देखें माशाल्लाह से बच्चे निकाले हैं जी। अब ले लें दोनों बाहर आ गए, शॉट ले लें इसका,
ठीक है। और ये पेयर है स्लेटी बर्ड विद लोटिनो पर्सनाटा, सॉरी लोटिनो फिशरी। इसके कुछ बर्ड माशाल्लाह से इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, 5 बच्चे निकले हैं जी। इसकी अलग से वीडियो मैं चाहूँगा कि आप बनाएं, इसकी जेनेटिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं, वो आपको अलग से वीडियो में इंशाल्लाह ताला देंगे। इस पेयर ने ब्रीड नहीं करी, ये पेयर ने 3 तारीख 2 महीना 2020 को अंडे दिए हैं, चेक करें। लोटिनो रेड आई की फीमेल है और फिशर का मेल है, फिशर स्प्लिट इनो ही है और स्प्लिट ब्लू भी है। यहाँ पे कॉकटेल है, कॉकटेल का एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा माशाल्लाह से निकला है। हाँ ज़रा सा एग्रेसिव हो जाता है कॉकटेल। अच्छा ये माशाल्लाह से फिशर का जोड़ा था, फीमेल एक्सपायर हो गई है, इसके कुछ बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, ये जो वही पेयर है जो मेल अकेला बच्चे पाल जी, बिल्कुल ये मेल अकेला बच्चे पाल रहा है। और इस तरफ ज़्यादातर अंडे आए हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, सारे फोस्टरिंग पेयर हैं जी, ऑलमोस्ट सारे फोस्टरिंग पेयर हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे में देखें सारे फोस्टरिंग हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादातर पेयर्स के नीचे खुद ही बच्चे पलवा रहा हूँ, तो फोस्टरिंग पेयर्स ने अपने बच्चे खुद दे दिए, टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी इस वजह से। टाइमिंग का इसमें बहुत बड़ा गेम होता है, हमें टाइमिंग को ना बिल्कुल सही तरीके से मैच करनी पड़ती है, वरना बच्चे जो है ज़ाया हो जाते हैं, तो फॉस्टरिंग का मकसद भी फौत हो जाता है और आपका बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। इस पेयर ने 30/1/2020 को अंडे दिए, तीन अंडे हैं इसके, इस पेयर की कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसने अभी अभी बच्चे जो है ना सेल्फ होके निकाले हैं। सही। इसके नीचे 1.7 के यानी कि पहले नंबर केज के 7वें नंबर बॉक्स के 6 अंडे डाले हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो अंडे इसने अपने दिए उसके बाद, क्योंकि 7 अंडे मैंने कहीं और, 6 अंडे डाले, इसका मतलब कितने अंडे इसने खुद से दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4 अंडे इसके अपने। अब इसमें से कुछ अनफर्टाइल अंडे भी होंगे तो उनको फिर मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक निकाल दूंगा, उसके हिसाब से देख लेंगे, जो फर्टाइल होंगे उनको यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पे 3 अंडे हैं ऑफलाइन के मैंने रखे हैं, ये 3 अंडे और बाकी इसके अपने भी अंडे हैं। 28/1/2020 की लेइंग हुई है, यहाँ पे 5 फर्टाइल अंडे 17 नंबर बॉक्स से रखे हैं मैंने, और एक एग मेरे ख्याल में टूट गया है तो अभी 4 अंडे पड़े हुए हैं। और फीमेल ये वाली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है, बड़ी ज़बरदस्त फीमेल है, ये पालती अपने बच्चों को बहुत अच्छा है, ये अग्रेसिव फीमेल है। यहाँ पे पारब्लू की फीमेल है और इसने लेइंग करी हुई है, इसके साथ मेल है ब्लू फिशर, ब्लू फिशरी, ब्लू फिशरी जी, सिंपल ब्लू है ये, स्प्लिट इनो नहीं है, सादा ब्लू है। अच्छा, इस साइड पे ली भाई क्या रखा है? ये एग्जीबिशन है, उसके साथ नॉर्मल बजरी क्रॉस कर रहा है, ये हमारा लोटिनो पर्सनाटा है, सॉरी लोटिनो फिशरी है, इसके साथ एल्बाइनो है, इसके अंदर देखिए इन्होंने शायद अंडे वगैरह दे दिए हैं, 2 अंडे हैं, लेकिन ये पेयर बहुत मुश्किल से बच्चे का ही अंडे ही तोड़ देता है। कुछ पेयर्स होते हैं जो अच्छे पालते हैं, कुछ पेयर अंडे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये उस जैसा पेयर है। ये पार ब्लू यूविंग है, इसके साथ ऑफलाइन की फीमेल है, ये ऑफलाइन की फीमेल है, लेइंग करी हुई है, अंडे ब्रूड कर रही है, तो इससे मेरे पास माशाल्लाह से यूविंग के बच्चे भी आते हैं और ऑफलाइन के अंदर यूविंग आता है। ये सिंपल एल्बाइनो रेड आई का पेयर है, इसके भी अंडे आए हुए हैं, अंडे ब्रूड कर रही है फीमेल। ये एक मेरा हाइब्रिड पेयर है, ये पर्सनाटा और फिशरी का क्रॉस है, बेसिकली ये तो फॉस्टर पेयर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इस पर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाएंगे कि हाइब्रिड बर्ड कैसा होता है। ये प्योर फिशरी की फ़ीमेल है और पर्सनाटा का मेल है, इस मेल के बच्चे जो हैं इतने अच्छे कलर के नहीं होंगे, लेकिन ये पेयर जो है पालता बच्चे बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसको रखा हुआ है। इसकी आई प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें कैमरा आगे लेके जाए, देखें सर सबके ख़राब आए हैं, यही वजह होता है जब पर्सनाटा और फिशरी को हम मिलाते हैं तो इस तरह के ख़राब सर के बच्चे होते हैं। ये क्योंकि मैंने फॉस्टरिंग के लिए रखा हुआ है, उस वक्त फॉस्टर के लिए था नहीं, तो मैंने इसके अंडों को
हटाया नहीं, इनको ब्रीड करने दिया तो ये रिज़ल्ट आया है। देखिए अरसलान, माशाल्लाह से काफ़ी सारे एल्बिनोज आए थे, वो सेल आउट हो गए हैं और अभी ये कुछ एल्बिनोज पड़े हुए हैं बाकी। इंशाल्लाह ताला इसके भी बातचीत चल रही है, ये भी चले जाएंगे। ये अभी फ़ाइनल आए थे जो ये इस दफ़ा का रिज़ल्ट था, बचे हुए सिर्फ ये हैं। माशाल्लाह से आए तो काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे मैंने घर पे रोके भी, और ये जो है पीसेस ये बचे हुए हैं इस वक्त ना। ये दोनों जो है ना ऑफलाइन के स्प्लिट हैं और पार ब्लू के भी स्प्लिट हैं ये फिशर जो हैं। ये कॉलोनी है और ये